नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा ने मांजुलिका का रूप धारण कर लिया और इतना पागलपन था उनकी टोन में कि देख के मजा आ रहा था कि हाँ किस प्रकार से एक एक्टिंग का लेवल होता है कि हाँ देख के एकदम दिल खुश हो जाए। सही बताएं तो जिस प्रकार से उन्होंने देवी संज्ञा, देवी छाया और इस वक्त पागल देवी संज्ञा या यूं कह लें साइको विक्षिप्त साइकोपैथ टाइप की देवी संज्ञा का रोल उन्होंने प्ले किया है, बहुत ही अद्भुत एक्टिंग, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कह सकते हैं इस सीरियल के हिसाब से। मेकअप और प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, जिस प्रकार से उनके चेहरे पे मुख पे पूरे बाल आ गए थे, साइड करके देवराज इंद्र भी एक बार कोई भयभीत हो गए थे कि आपने अपनी सद्बुद्धि खो दी है, आप विक्षिप्त हो चुके हैं। फिलहाल उनकी जो योजना मन में चल रही है वो हमने देखी कि किस प्रकार से वो महादेव के द्वारा शनि देव का अंत कराने के लिए विचार कर रहे हैं, क्योंकि महादेव इस वक्त माली सुमाली के रक्षा कवच हो रखे हैं, क्योंकि माली सुमाली ने उनसे वरदान ले रखा है कि हे महादेव, यदि मुझ पे किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो मुझे रक्षा हेतु आप उससे युद्ध करेंगे। जब ये प्रकरण देवराज इंद्र ने बताया देवी संज्ञा को, देवी संज्ञा के मन में सहसा एक योजना ने जन्म लिया। अब वो योजना किस प्रकार से लेके आती है सामने, यह हमें देखने के लिए चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करता है एपिसोड 148। बाय बाय। सूरज जी दिखा रहे हैं परम आया तो आश्चर्य है ना देव, आप मेरी छाया को देखकर चौंक गए और रुक गए, जबकि अब से कुछ पल पहले आपकी दृष्टि में एक छाया का कोई महत्व ही नहीं था। हर छाया का महत्व होता है शनि, बस कमी होती है उसके अस्तित्व की। विचित्र बात है ना देव, एक छाया आपके पुत्र को जन्म देती है, उसे अस्तित्व में लाती है, बिना स्वयं के अस्तित्व के ये कैसे संभव है देव? एक बात आपको है, सारे संसार को समझते हो कि मनुष्य का जन्म है, उसके कर्म उसके अस्तित्व बनाते हैं। यदि जन्म ही सब कुछ निश्चित करता तो जन्म से ही असुरों को महादेव वरदान ना देते। यदि आज आपने मेरी माता को उनका अधिकार नहीं दिया तो सारे संसार को संदेश जाएगा कि मनुष्य कर्म से नहीं उसके जन्म से महान होता है। बिल्कुल सही। और यदि ऐसा हुआ तो सारी सृष्टि पतन की ओर बढ़ जाएगी। अभी आप पर कि सृष्टि के समक्ष क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप? बिना जनरेटर के? हाँ मतलब सूर्य देव बैठे नहीं, खुद तो चकित हो गया था। बोले नहीं कहा देव, कौन देवी संज्ञा? कुछ भी है उसकी वास्तविक अधिकारिणी छाया ही है। आपकी पत्नी होने का अधिकार भी उसी का है देव, और वैसे भी समस्त संसार के सामने ये सिद्ध हो ही चुका है कि मैं अपना धर्म निभाने में असफल रही। मैं इतनी बड़ी अपराधिनी हूँ देव कि मुझे क्षमा भी नहीं मिल सकती, और इसीलिए मैं अब इसी क्षण आत्मदाह करूंगी। नया प्रोपेगेंडा है भैया, एक तो नया प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। नहीं संज्ञा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। जिसका पति और संतान उसे दोषी माने, जिसका परिवार उससे दूर हो जाए, उस स्त्री के जीवन का हर पल मृत्यु के समान ही तो है देव। बुद्धि और इमोशन दोनों मिला कॉम्बिनेशन, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का एक अवसर देंगे संज्ञा? नहीं दे,
मेरी भूल सुधारने का समय बीत गया, अब मेरे पास कोई अवसर नहीं। रुक जाए देवी संज्ञा। दंड नायक होने के नाते मेरा कर्म केवल इतना दंड देना है कि दोषी अपना दोष समझे और सद्मार्ग पर आए। यदि आप अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं और उचित मार्ग पर चलने को प्रस्तुत है तो आप शांति से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र है। मेरा कार्य किसी के जीवन को नष्ट करना नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य इस बात का कि आपको अपने दुष्कर्मों का भान तब हुआ जब मेरी माता को आप समान स्थान मिलने वाला था। विचित्र बात है ना? काशनी, जब संख्या अपनी भूल स्वीकार चुकी है तो शेष की आवश्यकता ही क्या है? संख्या मेरी पत्नी है और मैं संख्या के साथ अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं छाया को वो पद नहीं दे सकता। शनि ले, जहां पे कन्विंस होने ही वाले थे वहीं पर ये आके सही में आग लगा दी। चाल चली प्रतीत होता है कि अभी बहुत कुछ जो आपके लिए जानना शेष है सूर्यदेव, और बहुत ठीक आपको इसका आभास भी होगा। एक चाल कामयाब। देवी संज्ञा, कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो तुम फिर से मेरी मति के साथ खेल रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं हो। शनि, क्या हुआ शनि? देवी संज्ञा को लगता है काकोल कि मैं एक भ्रम उनकी कल्पना हूं। अब तुम ही बताओ इन्हें कि मैं यहां उपस्थित हूं या नहीं। देवी संज्ञा, जो आपके समक्ष और मेरे साथ खड़ा है वो मित्र शनि ही है। मेरा मार्ग छोड़ो, मुझे आराधना के लिए पुष्प लेने जाना है। अरे आप भूल गए देवी संज्ञा कि नानाश्री ने क्या कहा था? आप अभी जिस अवस्था में वो केवल औरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी संकट का कारण बन सकती है। ऐसे में आपको बाहर जाना उचित नहीं। मैं आपके साथ रहता हूँ और काकोल आपके लिए पुष्प ले आएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आइए देवी संज्ञा, मैं आपको आपके कक्ष तक छोड़ देता हूँ। क्या चल रहा है ये? चाल किस प्रकार से? वाह, यहाँ पे कितने स्वादिष्ट फल हैं। पर मैं तो पुष्प लेने आया हूँ। परंतु मुझे तो पुष्प लेने हैं। पुष्प पुष्प। और कुछ चाहिए देवी संज्ञा? तुम्हें लगता है संज्ञा मूर्ख है शनि, परंतु मैं संज्ञा हूँ, तुमसे कई पग आगे की सोच सकती हूँ। तुम मुझे मेरा प्रतिशोध लेने से नहीं रोक सकते। पुष्प 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 तो यहाँ नहीं है।
देवराज क्या चक्कर चल रहा है माली सुमाली से युद्ध करवाने वाली स्थिति का नहीं है, लेकिन ये तो काकुल की चित्कार है। माली सुमाली ऐसे अटैक नहीं करेंगे ना। वो किसी संकट में है। मैंने किसी का असहाय स्वर सुना माता, सब ठीक तो है ना? नहीं हम काकुल संकट में, और तुम सिद्ध कर चुके हो कि तुम देवी संज्ञा को रोकने में सक्षम। तुम यही रुको, मैं काकुल के पास जाता हूँ। आइए माता, मैं आपको आपके कक्ष तक पहुंचा देता हूँ। क्या हुआ माता, तुम फिर से मुझ पर प्रहार तो नहीं करोगे ना? ऐसा मत कहो माता, मैं विवश था। जिस प्रकार से सूर्य देव और शनि देव जब खड़े होते हैं वहां पे जो ब्लास्ट होता है, मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि ग्रेनेड फेंक दिया किसी ने, बूम। लेकिन मुझे लगा शायद जनरेटर फेलियर हो गया, अपने आप से चालू हो गया होगा। भाई सूर्य देव शॉक, शनि देव शॉक, और हम लोग भी शॉक, क्योंकि जब तक सूर्य देव उस स्थान में बैठते नहीं है अपने, तब तक से अग्नि पैदा नहीं होती, ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होती है। लेकिन वो सहसा बड़े अच्छे से दिखाया भी गया है सीरियल में, उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया। तो देवी संज्ञा के पास जो ऊर्जा है ना, उसी से उन्होंने उसका निर्माण किया। ग्रेनेड तो छोटे मोटे वो छोड़ सकती है। तो अभी देवी संज्ञा के मन में चल क्या रहा है, काकुल को फंसा करके, क्या शनिदेव को भेज करके? अच्छा शनिदेव वहां जाएंगे तो युद्ध किससे होगा, पहले तो ये देखना है कि अगर कोई युद्ध करने वाला होगा भी कि नहीं। काकुल को बंदी बनाया किसने? क्या माली सुमाली से युद्ध होगा या इंद्रदेव से युद्ध होगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्रकरण दिख ही नहीं रहा यहाँ। और इंद्रदेव छुपके रहने वालों में से है, क्योंकि वो प्लान अगर बनाएंगे तो सामने से नहीं वार करेंगे। इस पूरे प्रकरण में क्या कैसे आगे बढ़ेगा ये तो हमें पता चलेगा आगे, फिलहाल तो बहुत गुप्त चल रहा है। हाँ फिलहाल इस एपिसोड को यही समाप्त करना होगा, और जल्द ही मिलना होगा नए एपिसोड पे। तब तक के लिए राधे राधे।